इस साल का विषय है वो है अंग्रेजी में कंटेंटमेंट इन अ मटूरियर वर्ल्ड वेलनेस प्रैक्टिस इन इंडिया हम यहाँ आए हैं इसलिए कि हम सीखें संतोष के बारे में कर्म के बारे में धर्म के बारे में अहंकार के बारे में और हमारा जो संबंध है प्रकृति से हमारी जो अभिव्यक्ति है इस संबंध की आ, कला के द्वारा भारत में जो आम लोगों की जो रीति रिवाज हैं कि जो आ, सोच है कि जो मान्यताएं हैं उनमें कुछ और है जिसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वो क्या है कि उनमें तनाव कम हो कि उन, उनके मन में बेचैनी कम हो सो हमने काफ़ी कोशिश की काफ़ी लोगों से बात की और काफ़ी जगहों पे गए ताकि वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं उनको देख लें उनको महसूस करें उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें हम ऋषिकेश गए गंगा माँ वहाँ स्वच्छ शुद्ध और तेजी है वो बहती रहती है और वहां जो जिन लोगों से हमने बात की हमें पता चला कि एक कदम काफी है एक कदम जिसको हमने उठाया है किसी व्यक्ति किसी मामले किसी समुदाय के प्रति यह कदम सेवा अगर हम समझेंगे इस कदम से अगर कोई फल हम कोई खास प्रतीक्षा नहीं करेंगे तब तो ये कदम सेवा है छोटी छोटी चीजों में संतोष आ सकती है जो हम करते हैं दूसरे लोगों के लिए ऋषिकेश में बाबा जी एक खास आदमी से हम मिले हैं जिन्होंने सोचा कि वहाँ के जो बहुत प्रचलित पुराने पेड़ हैं पीपल के पेड़ वहाँ काटे जाते हैं एक को एक को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी ताकि एक जो बाक़ी पेड़ था उसको सुरक्षित रखने के लिए मंदिर उसके आधार पर बनाने के लिए उन्होंने अपना अपना जीवन समर्पित किया तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं जिनके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है हमने ये सीखा है वहाँ इसके बाद हम लखनऊ गए वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से और अध्यापकों से काफी बात हुई और वहां हमने क्या देखा कि जो आनंद की धारणा है आधुनिक आधुनिक रूप से उसको मेजर कर सकते हैं माप कर सकते हैं कैसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं वहां के विद्यार्थियों के द्वारा कि हैप्पीनेस को मेजर कैसे करते हैं इसके साथ हमने देखा कि पुराने तरीके भी हैं मेडिटेशन के ध्यान रखने के कैसे जो आ, उनको मेडिटेशन बोल्स बोलते हैं तो इस ध्वनि के द्वारा इस आवाज के द्वारा हम ध्यान कैसे रख सकते हैं उसमें हमने थोड़ा सा अभ्यास किया बनारस एक बहुत खास जगह है जहाँ हम गए भी और वहाँ यूनिवर्सिटी के अध्यापकों से मिले वहाँ विद्यार्थियों से भी काफ़ी बातचीत हुई और सारनाथ भी गए तो हमने प्रेमचंद की बात काफ़ी की हमने भरतेंदु हरिश्चंद्र के आ, की बात भी काफ़ी हुई दोनों के बड़े लेखकों के घर गए वहाँ उन लेखकों के रिश्तेदारों से मिले और उन लेखकों की जिंदगी के बारे में बात की तो उसमें बहुत संतोष आया हमारे मन में सारना भी गए वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ विचार बौद्ध धर्म से आए हुए कुछ विचारों को हमने सीखा जैसे मैंने मैंने उल्लेख किया अहंकार का जो उपनि उपनिषदों का एक, एक, एक वो कॉन्सेप्ट है लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार सेल्फ नहीं है तो उसका ये मतलब है कि हमें करुणा को संभालना है अपने मन में सुख महसूस करने से पहले हमें दुख को समझना है दुख क्यों महसूस करते हैं दुख का क्या कारण है दुख के कि जोड़ें हैं हमें उनको उखाड़ना है इसके बाद हम सुख महसूस कर पाएंगे वहाँ हमने बात की वाइस चांसलर से और इसके बाद हमने ध्यान रखने की कोशिश की कुछ लोगों ने कभी हम में से कुछ लोगों ने कभी ध्यान नहीं रखा था और कोशिश भी नहीं की और उन्होंने कहा कि 10 मिनट का जो ध्यान अभ्यास हुआ उनकी जिंदगी बदल दी गई तो देखते हैं कि आगे चलकर हम कैसे अपनी ज़िंदगी बदलेंगे लेकिन आ, ये जो अनुभव हुआ बहुत बहुत प्रभावशाली अनुभव था हम कोलकाता गए वहाँ जो ऊर्जा है मानसिक बौद्धिक वहाँ जो ठगोर की लेगेसी है हमें बहुत अच्छे से महसूस हुआ ठगोर का साहित्य ठगोर के घर में हमने उसके बारे में सीखा ठगोर का जो विश्वविद्यालय था शांति निकेतन वहाँ भी गए कला भवन खास के हमने देखा कि जवान लोग कैसे आ, क्या करते हैं वहाँ कैसे अपनी मानसिक शांति के लिए आ, काम करते हैं बिना सोचे कि इसके बाद मुझे क्या आमदनी मिलेगी बिना सोचे कि मुझे कितना पैसा मिलेगा आम, उसको इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद तो बहुत अच्छा लगा वहाँ हमारी आखिरी आ, स्थान आ, था मधुबनी जहाँ सिर्फ कला की बात हमने की कला भाषा के रूप में कला अभिव्यक्ति के रूप में कला उत्पादन के रूप में कला जिंदगी चलाने का तरीका के तरीके के रूप में उसके बारे में बात हुई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई और हमारी याद में हमेशा रहेगी कि ये कला सिर्फ महिलाएं करती हैं ज्यादातर आजकल महिलाएं करती हैं और जो मर्द उसमें शामिल होना चाहते हैं महिलाओं से ही सीखते हैं तो उसी तरह हम एक इक्कीसवीं शताब्दी में एक दुनिया में एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जितना कोशिश हो रही है उतना बदलाव नहीं हो रहा है कि मर्द केंद्रित न हो कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ एक अलग सी दुनिया है जो जिससे हमने काफ़ी सीखा है और जो हमें दिखाया है जो हमें जो जिसने हमें सिखाया है कि कैसे हम कला के द्वारा दूसरे दूसरी संस्कृतियों से दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं